भारतीय महान बल्लेबाज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक का रिकॉर्ड वानखेड़े के ही मैदान यानी कि सचिन के घर में तोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में 50वां शतक ठोका। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 113 गेंदों का सामना करते हुए 117 रन लगाए। जब विराट कोहली शतक के करीब थे तब उनको खिंचाव भी आया, लगातार वो सिंगल ले रहे थे। इसी के साथ उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। जब बल्लेबाज 98 पर थे तो उन्होंने बिना किसी देरी के एक की बजाय दो रन लेते हुए अपना 50वां शतक पूरा कर लिया। ये सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी ऐतिहासिक पल है। वर्ल्ड कप में 50वां शतक विराट ने पूरा किया और ये अब एक ऐतिहासिक क्षण बन चुका है। लेकिन इस विश्व कप में शतक लगाने के साथ ही वो हुआ जिसके लिए विराट कोहली शायद जब बाद में मैच देखेंगे तो वो दोबारा रो पड़ेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब विराट कोहली ने अपना 50वां शतक ठोका तो उसके बाद बल्लेबाज रो पड़े। विराट ग्राउंड में कुछ इस तरह से बैठे कि मानो पूरी दुनिया उन्होंने हासिल कर ली हो। पूरी दुनिया की खुशी, दुनिया की दौलत सब विराट के कदमों में आकर गिर गई हो। विराट ने जैसे ही शतक पूरा किया वो वैसे ही उन्होंने हवा में मुक्का लगाते हुए, छलांग लगाते हुए जश्न मनाया। इसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को सलाम किया और फिर मैदान पर बैठकर उनके आंसू भी छलके। विराट ने ये शतक पूरा करते ही सभी को ये बता दिया है कि जो कभी क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हो नहीं सकता है। विराट ने 50 शतक पूरे किए। कभी एक समय था जब सोचते थे कि सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन जब नाम ही विराट हो तो कैसे आप झुक जाएं? विराट कोहली ने आज ये बता दिया कि अगर आप में काबिलियत है तो कितने बुरे दिन क्यों ना आ जाए, आप इतिहास जरूर रचेंगे जैसे विराट द किंग कोहली ने रचा। अगर आप भी हैं विराट के दीवाने तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।